नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट मनी में एसएमएस लॉगिन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। बहुत ध्यान से ये वीडियो को देखिए आप, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। टॉपिक है एसएमएस लॉगिन। ओके, इसके लिए जो है हम लोग परफेक्ट मनी में चलते हैं। सबसे पहले वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं परफेक्ट मनी के लिए। परफेक्ट मनी परफेक्ट मनी का जो है ना वेबसाइट जो पहले ओपन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट भी खुला ही हुआ है यहाँ पे। देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हुआ, परफेक्ट मनी का कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ एसएमएस लॉगिन। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं एसएमएस लॉगिन। तो यहाँ पर जाने का तरीका है, सेटिंग को क्लिक कीजिए। सबसे पहले देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सेटिंग को। यहाँ पर देखिए आपका सिक्योरिटी में आपका दूसरा ऑप्शन जो है ना एसएमएस लॉगिन है। पहला आइडेंटिटी चेक, दूसरा एसएमएस लॉगिन। ठीक है, तो उसके अंदर चलते हैं। इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको, चेंज सिक्योरिटी सेटिंग को है ना आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंज सिक्योरिटी सेटिंग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, आइडेंटिटी चेक आ गया और आपका एसएमएस लॉगिन आ गया। तो एसएमएस लॉगिन जब आप यहाँ से इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ इनेबल्ड व्हेन यू लॉग इन अ शॉर्ट मैसेज विल बी सेंड टू योर मोबाइल सेल फोन नंबर। नोट, एसएमएस सेंडिंग इज पेड ऑपरेशन वैल्यू 10 सेंट्स। ठीक है, तो ये आप अगर इनेबल करते हैं, सिक्योरिटी का आपका जो है ना एक अकाउंट सिक्योरिटी का एक हिस्सा है एसएमएस लॉगिन, इसको इनेबल कर दीजिएगा तो जब भी आप लॉगिन कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक एसएमएस कोड आएगा, वो कोड इंटर कीजिएगा तभी परफेक्ट मनी में आपका लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी रीजन से आपका दिया गया है यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन से आपका यहाँ पर दिया गया है। और साथ में ये भी लिखा गया है कि स्पीड सर्विस है, इसलिए जब भी आपका एसएमएस आएगा आपका जो परफेक्ट मनी अकाउंट है वहाँ से 10 सेंट्स जो होता है आपका कट जाएगा। ठीक है, 10 सेंट्स आपका लगभग 0.10 आपका हुआ जो लिखते हैं आप लोग, तो ये आपका 10 सेंट्स कट जाएगा। अगर आप एसएमएस लॉगिन सर्विस को एक्टिव करके रखते हैं तो सिक्योर तो रहेंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें आपका 10 सेंट्स कटता रहेगा। तो अगर आपके परफेक्ट मनी में बहुत सारा फंड है अगर आपको, तो उस केस में जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है आपका, सिक्योर करने के लिए कोई दूसरा आदमी जो है आपके परफेक्ट मनी में कभी भी लॉग इन नहीं कर पाएगा। अगर उसको आपका आईडी मिल जाएगा फिर भी लॉग इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी लॉग इन करेगा मोबाइल तो आपके पास ही रहेगा, आपके मोबाइल पर ही उसका कोड आएगा। ठीक है, कोड आएगा आपके मोबाइल पर तो उसको कोड मालूम चलेगा नहीं, तो लॉग इन तो कर नहीं सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये एक अच्छा सर्विस है एसएमएस लॉगिन, इसको आप यूज कर सकते हैं इनेबल करके। लेकिन वही है कि आपका इसमें से जब भी एसएमएस आएगा 10 सेंट्स जो होता है आपका कट जाएगा परफेक्ट मनी से। तो कुछ पाने के लिए कुछ होना ही पड़ता है, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो वो चीज़ आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है आपका एसएमएस लॉगिन का ही पर्पस है कि सिक्योरिटी पर्पस से ही यूज कर सकते हैं, और इसका यही मतलब होता है कोड आएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके अकाउंट को परफेक्ट मनी अकाउंट को भी हैक भी कर लेता है तो भी जो है आपका कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इससे। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट इससे है, इनेबल करके यूज कर सकते हैं आप इसका। और परफेक्ट मनी का एक मेरा ब्लॉग वेबसाइट भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको और भी वीडियो की जरूरत पड़े परफेक्ट मनी से रिलेटेड तो वहाँ पर जा सकते हैं आप। देखिए ये ब्लॉग है परफेक्ट मनी फॉर यू, ये मेरा प्लस टू ब्लॉग बनाया है आपके लिए हेल्प के लिए, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और इसमें आप वीडियो वगैरह इसमें दिया गया है, कोई आपको दिक्कत हो तो इसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये वीडियो परफेक्ट मनी वीडियो में जाके आपको कोई वीडियो दिया गया है, ये सब वीडियो को आप देख के आपका हेल्प पा सकते हैं, कर सकते हैं आप। और यहाँ लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ज्वाइन होना हो परफेक्ट मनी में मेरे अंडर में। ठीक है, ये रेफरल भी
ऑफिस में होता है, तो ये आपको मेरा रेफरल लिंक है परफेक्ट मनी का, इसको क्लिक करके आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं मेरे अंदर में। तो इसमें मेरे अंदर में ज्वाइन होकर आप मेरे सपोर्ट का भी फ़ायदा उठाएंगे हमेशा, ठीक है। तो इससे भी आपको ब्लॉग से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस ब्लॉग में आकर जो है ना आप अपना वीडियो वगैरह देख सकते हैं परफेक्ट मनी से रिलेटेड, सारे जो भी ज़रूरी वीडियो होते हैं मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और परफेक्ट मनी में अगर ज्वाइन नहीं है तो यहाँ भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, इस डायरेक्ट मेरा रेफरल लिंक में खुल जाएगा आपका और उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो यही था मैं आज का टॉपिक जो था मेन SMS लॉगिन, ठीक है। इसको आप सीख चुके हैं, आशा करते हैं कि आप सीख चुके हैं, इसको समझ में आ गया आपको। और भी वीडियो वगैरह जो है आप जब जाके जो है ना यूट्यूब में मेरा वीडियो चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। यहाँ देखिए youtube.com, ठीक है, यहाँ पर जो है यूजर Vic2 डाटा इंट्री, ठीक है, इसको डायरेक्ट ओपन कीजिएगा। यहाँ से ओपन करके आप वीडियो में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सब्सक्राइब करने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर जाना है, यहाँ सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको जाइए क्लिक कीजिए यहाँ पर, तो आप सब्सक्राइब हो जाइएगा। जितना वीडियो आएगा वो सब जो है ना आपके डायरेक्ट मेल पर चला जाएगा, ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर केवल जो है ना सर्च कर लीजिए Vic2 डाटा इंट्री, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। सर्च करके यहाँ पर देखिए अभिषेक आनंद है ना, यहाँ अभिषेक आनंद को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ पर भी जो है आप पढ़ के यहाँ पर सब्सक्राइब कर जा सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना जिससे सब्सक्राइब बटन देगा उसको क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बस इतना काम है, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा मेरा वो डायरेक्ट आपको मिलता रहेगा। तो SMS लॉगिन का टॉपिक तो खत्म हो गया, ये आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया अच्छे से। आप और भी वीडियो वगैरह चेक करते रहिएगा मेरा, इसके अलावा भी परफेक्ट मनी से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बना के दिए हुए हैं आपके हेल्प के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो से फ़ायदा हो रहा है आपको, मेरे वीडियो से अगर फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जो भी वीडियो आएंगे लेटेस्ट डायरेक्ट आपके मेल आईडी पर पहुंच जाते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ से। और आपको कोई भी उसमें कन्फ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, एडवाइस आपको अगर देना हो मुझे कुछ भी, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं करूँगा। ज़रूरत पड़ेगा तो उसका वीडियो बनाकर मैं आपको रिप्लाई करूँगा ताकि आपको समझ में आए। और भी किसी चीज़ का वीडियो का ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं, मेरे नॉलेज में अगर होगा तो मैं ज़रूर बना के आपको वो वीडियो दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका सजेशन हो वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। थैंक यू।